नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 फ्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पुराई में हुए शिक्षक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी ने की थी हत्या। चप्पा चालून 25 सितंबर को उराई के राजेंद्र नगर में बुद्ध शिक्षक की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें शिक्षक के पत्नी ने पुलिस को गुरवा कर बयान दिया था कि शिक्षक से कोचिंग पढ़ने आई छात्राओं ने शिक्षक की हत्या की है। मगर मामला तो कुछ और ही निकला। पुलिस ने शव को आधार पर शिक्षक की पत्नी ने जब पूछताछ की तो उसने ही बताया कि उसी ने अपने पति को संपत्ति के लालच में मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल शिक्षक के अपनी बेटी जो कि मानसिक रूप से बीमार रहती थी, उसके फ्लैट देने के बाद कही थी, जिसको लेकर आए दिन पत्नी अपने पति से झगड़ा की करती थी। 24 सितंबर के दिन पत्नी ने जब पति के साथ मारपीट की तो पत्नी ने उसे रात सो रहे पति पर लोहे के सिंबल से प्रहार कर उसकी जान ले ली और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने एक मनगढ़ंत कहानी रच डाली। किसी की ट्यूशन पढ़ने आए छात्रा ने उसके पति की फीस मांगने को लेकर हत्या कर दी है। फिलहाल पत्नी को पुलिस ने जांच के बाद मामले का खुलासा कर हिरासत में लेकर हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया है। और देखिए पूरी रिपोर्ट कृष कुमार के साथ। देखिए ये तो 25 तारीख को 2425 के थाना उरई के कोतवाली के राजेंद्र नगर मोहल्ले में नारदा प्रसाद कुमरे की हत्या की गई थी। इसी संबंध में मुकदमा थाना उरई में पंजीकृत किया गया था। इस घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया है और उन्होंने अपना इकबालिया जुर्म करते हुए बताया है कि 24 तारीख के दिन में 3 बजे के आसपास में उनके अपने पति से किसी प्रॉपर्टी के लिए लेकर बातचीत हुई थी, विवाद हुआ था। उसमें संबंध उनके पति ने बीचा भी था। इसी बात से वो गुस्से में थी और जब रात्रि में जब पति और उनकी बेटी खाना खा के वो सो गए तब उन्होंने संबल से लेके अपने पति के सर पे वार किया और उसे हत्या कर दिया। उसके बाद संबल उन्होंने छिपा दिया था और छिपाने के बाद तब उन्होंने जाके अपने पड़ोस में अपने संबंधियों को बताया कि अज्ञात छात्रों ने उनकी हत्या कर दी है और इसी संबंध में घटना पंजीकृत भी हुआ था। उस समय घटनास्थल पर सभी सूचना मिली थी, उसके सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए थे और क्षेत्राधिकारी नगर की लीडरशिप में काफ़ी अच्छे से वर्कआउट किया गया है घटना को और महिला को गिरफ्तार जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ उसे जो घटना में अलग अलग सफल उपयोग किया था उसकी बरामदगी भी कर ली गई और कभी मिली था। सर, गिरफ्तार करने वाली टीम को कोई नाम? सभी को पुलिस की तरफ से तमाम जानकारी के लिए प्रीतम जी सुंदरिया।